में मैं अपनी फैमिली के साथ अंजुरा दुर्ग में स्थित प्लेजर क्लब में गई थी। उसका एक्सपीरियंस आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। प्लेजर क्लब इन अंजुरा इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टवर्दी नेम्स इन दिस फील्ड। ये होटल राजनांदगांव में मैत्री डेंटल कॉलेज के जस्ट ऑपोजिट में है, तो इसको लोकेट करना बहुत ही आसान है। प्लेजर क्लब अपना जर्नी स्टार्ट किया था 2013 में। इस होटल से रेलवे स्टेशन 10 किलोमीटर्स एंड बस स्टेशन 8 किलोमीटर्स दूरी पे है। दिस होटल इज़ नोन फॉर इट्स स्पेक्टेकुलर एम्बियंस। देयर इज़ एम्पल स्पेस एंड वेरी गुड अरेंजमेंट फॉर पार्किंग एज वेल। इतने सारे फैसिलिटीज़ इस क्लब को वेडिंग पार्टीज, रिसेप्शंस, रीयूनियंस, बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज, तरह तरह की सेलिब्रेशंस का फर्स्ट चॉइस बना दिया है। लोग यहाँ डिफरेंट ओकेशन को सेलिब्रेट करते हैं। देयर आर कॉन्फ्रेंस हॉल एंड बैंक्वेट हॉल्स इन द टेरिटरी। ब्यूटिफिकेशन के लिए यहाँ बहुत सारे सीजनल फ्लावर का प्लांट्स रहता है डिफरेंट पॉट्स में। द एंट्रेंस एंड गार्डन आर ऑल ब्यूटिफुली बॉर्डर्ड विद ऑसम फ्लावर प्लांट्स, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर। शायद बारिश की वजह से यहाँ अभी कुछ खास फ्लावर नहीं दिख रहा है। यहाँ 112 कवर मल्टी क्विजिन ओपन गार्डन रेस्टोरेंट है। हम लोग पहले जितने बार आए हैं हमेशा गार्डन रेस्टोरेंट में ही बैठे हैं। यहाँ बहुत बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है जिसमें क्रिकेट मैच या म्यूज़िक वीडियो चलता रहता है। विंटर में बॉनफायर का भी अरेंजमेंट रहता है, क्योंकि अभी बारिश के मौसम है और रिसेंटली काफ़ी बारिश हुआ है, इसलिए लॉन यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर बैठने का ही डिसीजन लिए। रेस्टोरेंट उतना स्पेशियस नहीं है। 10 मिनट्स वेट करने के बाद लकीली हम लोगों को एक टेबल मिल गया, लेकिन फिर भी यहाँ आज भीड़ काफ़ी कम है। हो सकता है ओपन गार्डन रेस्टोरेंट क्लोज है इसीलिए इतना भीड़ नहीं है। टेबल का डेकोरेशन सिंपल लेकिन नीट एंड टाइडी है। हम लोग मेनू कार्ड सर्च करना स्टार्ट कर दिए। यहाँ डिफरेंट स्नैक्स अवेलेबल है, जैसे वेज नगेट्स, चिली गार्लिक पॉप्स, पोटैटो चीज़ शॉर्ट्स, पनीर पॉप्स, चीज़ मसाला बॉल, कड़क कबाब, हरा भरा कबाब, ये सब यहाँ पे मिलता है। मेन कोर्स में ब्रेड में तंदूरी रोटी, बटर तंदूरी रोटी, मेथी पराठा, लच्छा पराठा, प्लेन नान, बटर नान, ये सब यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के मॉकटेल्स भी अवेलेबल है, जैसे हम लोग ब्लू लेगून लिए, और भी बहुत सारे अवेलेबल है। और आप अगर ड्रिंक करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ। और सब्जी में लजीज कोफ्ता, बिरबल की हंडी, बहुत सारे टाइप के दाल, सब्ज मिलोनी, चिकन स्ट्रॉन्ग एंड ऑफ, शेजवान चिकन, तरह तरह के डिशेस मिलता है। यहाँ के फूड काफ़ी डिलीशियस है और स्टाफ का सर्विस भी अच्छा है। मैं यहाँ का मेल एड्रेस और फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। आप अगर भिलाई दुर्ग या राजनांदगांव में रहने वाले हों तो ज़रूर इस प्लेस को ट्राई करें, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। हम लोग भी यहाँ अपना शाम बहुत अच्छा से बिताए। फिर से मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।